आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे और मैं हूं रमन सैनी। अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने आज जम्मू कश्मीर के हालात पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात वैसे ही सामान्य हैं जैसे कि देश के अन्य हिस्सों में किसी राज्य के हों। उन्होंने कहा कि पिछले 8 महीने से जम्मू कश्मीर के एक भी युवा ने बंदूक का रास्ता नहीं अपनाया है, जिसके लिए सुरक्षा एजेंसी जो जम्मू कश्मीर में तैनात है वो बधाई के पात्र है। लेकिन जहाँ तक आपने हालात की बात की, जम्मू एंड कश्मीर इज़ एज नॉर्मल एज एनी अदर प्लेस इन दिस कंट्री, तो इसलिए हमें खुशी होनी चाहिए। हम सब लोगों को, हम सब जम्मू कश्मीर के हैं, पिछले 8 महीने में एक भी लोकल मिलिटेंसी के साथ नहीं जुड़ा है। ये सबको मुबारक है, आपको मुबारक है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारक है, जम्मू कश्मीर के आवाम को मुबारक है। ये श्रेय हमारे नौजवानों पे जाता है, लोगों पे जाता है। दे हैव चोजन पीस ओवर वार, नाउ दे हैव रिप्लाइड एवरीबडी, द नेबरर, द लीडर्स, दैट वी वॉन्ट पीस। दे हैव गिवन अ क्लियर कट आंसर कि ये आपकी दलीलें नहीं चलेगी, हम अमन के ख्वाह हैं और अमन ही यहाँ रहेगा, इंशाल्लाह ज़रूर रहे। हमारे मुल्क के, जिसे मैं कहता हूँ क्रिएटर, जो इस मुल्क को इस वक्त जोड़ रहा है, कहते हैं ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक वर्चुअली जो जोड़ रहा है, नितिन गडकरी साहब कल रियासत हमारे यूटी में आए थे और मैंने सोचा कि इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए अगर कोई हमारे लोगों के लिए अच्छा करता है। उन्होंने जल कल जो ऐलानात किए और जो काम उनके महकमे की तरफ से हो रहे हैं, सो आई वांटेड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड ग्रेटिट्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अपनी पार्टी, नंबर वन। नंबर टू, कल उन्होंने अनाउंसमेंट की टाइमलाइन, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, टनल्स हैं, तो उसी में उन्होंने कल मुगल रोड की पीर की गली की टनल का भी ये अनाउंसमेंट किया। हम वेलकम करते हैं, मुबारकबादी उनको देते हैं और ये वो वादा है जो 2015 में उन्होंने हमसे किया था, चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मेरी गुजारिश होगी उनसे कि इसकी भी टाइमलाइन फिक्स हो जाए ताकि ये लाइफलाइन जो एक अल्टरनेट रूट के तौर पे बनेगी, कल को यात्रा के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, फ्रूट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और दो खित्तों को आपस में जोड़ेगी। तो वो भी मेरा उनको निवेदन करने का मकसद था आपके ज़रिए से। तीसरा, जो जम्मू श्रीनगर हाईवे, मुझे मालूम है ये उनके फोकस में है, उन्होंने कल इस पर भी बात की, लेकिन इसको थोड़ा सा शायद एक टास्क फोर्स बना के हर हफ्ते मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ना इसका मॉनिटरिंग हो जाए तब तक ये एक बदनुमा दाग है हमारे ही इस रियासत पे नहीं, ये हमारे पूरे नेटवर्क पे, जो हम कहते हैं ना कि हम अमेरिका से आगे नेटवर्क में होंगे, तो ये एक बदनुमा दाग बनता है। ये मुल्क के बाकी हिस्सों से जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए ये एक रुकावट बन जाती है। जोजिला टनल टाइमलाइन दिया गया, ये बहुत हिस्टोरिकल चीज़ है जो बनने जा रही है। इससे हालांकि जम्मू कश्मीर की पुरानी रियासत को 2 UTs में तकसीम किया गया है, मैं मुबारकबादी देता हूं, इस टनल से कम हम आपस में फिर हमारे रिश्ते जुड़ जाएंगे और मुल्क के डिफेंस के लिए भी जितनी इसकी इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझती है उससे ज़्यादा हम ये समझते हैं कि हमारी लाइफलाइन भी है उन लोगों के साथ जिनके साथ हमारे कई दहाइयों के रिश्ते हैं। होम मिनिस्टर साहब ने करना में एक इबादत गाह की इफ्तिताह की, शारदा टेंपल की, और जिस शारदा टेंपल में उन्होंने वादा किया कि हम पिलग्रम्स को वहाँ जो पार का कश्मीर है उसके साथ मिला कॉरिडोर बनाने की कोशिश करेंगे। कॉरिडोर तो जनाब हम दूसरे मुल्क से मिलके बनाएंगे, लेकिन टनल तो हम बना सकते हैं, ये लोग 6 महीने बंद हो जाते हैं, इसको भी प्रायोरिटाइज़ किया जाए। देखिए मैं आपको बताऊंगा, जनता जब कोई मसला उठाती है तो जनता गलत होती नहीं है, गडकरी साहब से ज़्यादा कोई ये जानता नहीं है। मुझे उम्मीद है गडकरी साहब के कानों तक वो आवाज़ पहुंच गई होगी और जो यहाँ इंतज़ामिया उनको इस वक्त होस्ट कर रही है, क्योंकि हम सरकार में हैं नहीं, अगर हम सरकार में होते तो मैं आपको
बड़ा आश्वासन देता है साहब हम इस पर कुछ कराएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त यहाँ है उन्होंने ये मसला उन तक पहुँचाया होगा, तो अगर उन्होंने नहीं पहुँचाया होगा कुछ ही लगता है कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं ही, आज नहीं होंगे, दो महीने बाद होंगे, दो महीने बाद नहीं होंगे, चार महीने बाद होंगे। ही इज़ अ रॉयल मैन, वो उनको लोगों की बड़ी चिंता भी रहती है, फिक्र भी रहती है और वो लोगों को खुश भी देखना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि ये बहुत अच्छी डिमांड है, जो अच्छा सवाल आपने उठाया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जब तक ये रोड कंप्लीट हो जाए तब तक ज़रा देखिए अगर ये टोल सस्पेंड हो सकता है जब तक ये रोड कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस वक्त जब रोड की कंडीशन वैसी नहीं है तो अच्छे रोडों से तो ये होता है कि गाड़ियां बच जाती हैं तो पैसे वहाँ से बच जाते हैं तो टोल में लोग देते हैं, तो ये बड़ा अच्छा होगा। देखिए हमने पीछे जब ट्रेड चला तो उसमें बड़ी चीज़ें देखी गई हैं, आज जो हमें परेशानी है मैं आपको सच बताऊंगा, अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, मैं अपने यूथ के साथ बात कर रहा, हमारा चैलेंज ड्रग्स है, हमारा चैलेंज अब बंदूक नहीं रहा, हमारा चैलेंज अब ड्रग्स है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ मोर मैच्योर देन अस टू डिसाइड क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। देखिए ये तो बदकिस्मती की बात है कि ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जिस इम्पोर्टेंस की हामिल है और जिस तरीके से वो बननी चाहिए थी शायद उसकी सर्वे गलत हो गई। हम भी दुनिया घूमे हैं थोड़ा सा, मैं नहीं कहूँगा कि जो इन्होंने पहाड़ काटे ये गलत था, मैं आज भी कहूँगा मैं टेक्निकल नहीं हूँ, गलत था, दे शुड हैव गॉन आउटसाइड, ये इस पर ब्रिजेस पे बनता, बाहर निकलता, ब्रिज बनता, पहाड़ काटा नहीं जाता तो दरिया की तरफ से बन जाता। हमने देखा है जब हम ऑस्ट्रिया से निकलते हैं इटली की तरफ जाते हैं टिरोल, ईस्टर्न टिरोल, गडकरी साहब तो दुनिया घूमे हैं, तो गडकरी साहब को शायद वो मॉडल 70-80 किलोमीटर पे यहाँ फिर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहाड़ रुक नहीं रहे, कच्चे पहाड़ हैं, रुक नहीं रहे, और जो ठेकेदार थे उन्होंने इसकी इतनी कटाई की, क्यों उनको पैसा मिलता था फुटों के हिसाब से, उन्होंने वो बर्बादी की। तो मेरी ये पहले भी सजेशन है, आज भी मैं सजेशन देता हूँ कि हमें RCC के पिलर्स बाहर निकालने चाहिए, उस पर रोड चलाना चाहिए। अल्ताफ बुखारी ने आज देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं वो न केवल यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों के लिए लाभदायक होगा बल्कि स्ट्रेटजिकल तरीके से डिफेंस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। कैमरा पर्सन काकाराम के साथ रमन सैनी, JK News Today।